इस वक्त समय की टीम पहुंच चुकी है पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी के पास, और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रहे लेकिन पिछला चुनाव 200 से महज कुछ ज़्यादा वोटों से वो हार गए थे। हालांकि क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता अभी भी कायम है और इस बार ये माना जा रहा है कि वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा लेंगे, लेकिन किस तरह की उनकी तैयारी है सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। स्वागत है आपका समय पर। भारतीय जनता पार्टी के हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लाड़ प्यार स्नेह और इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का लाड़ प्यार स्नेह हमें मिला। 233 वोट से यहाँ पर हम चुनाव हार गए, लेकिन खेल में जरूर हारते हैं लोग, लेकिन मन के अंदर हमने हार नहीं मानी और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी हार नहीं मानी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव होगा वो इस क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। जो हमने अपने 5 साल में 2008 से 2013 के बीच में जो विकास के काम कराए और शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम किया, और व्यक्तिगत तौर पर भी जो भी हम पे बना हमने जनता की सेवा की है, इसके आधार पर हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस बार का चुनाव इस क्षेत्र जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और हमारे जो शुभचिंतक हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, और आप सब लोगों का स्नेह हमारे साथ में रहेगा। चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी और मध्यप्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 14 साल से ज़्यादा वक्त हो गया बीजेपी की सरकार है, बुंदेलखंड के लिए केंद्र ने एक पैकेज दे दिया, आप लोगों का विशेष फोकस यहाँ पर है, लेकिन हम देखते हैं कि बिजली की समस्या है, लाइनें तो हैं पर बार बार डिफॉल्ट होने के कारण वहाँ पर दिक्कतें आती हैं, पानी की तो बहुत बुरी स्थिति है, तो अब तक कोई ऐसी योजना क्यों नहीं आ पाई जो परमानेंट इसका सोल्यूशन दे दे? टीकमगढ़ जिला और बुंदेलखंड में और पूरे मध्यप्रदेश में आप सबको जानकारी है कि पहले 6.5 लाख हेक्टर भूमि सिंचित होती थी, लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री 40 लाख हेक्टर भूमि जमीन को अभी सिंचित कर रहे हैं, और टीकमगढ़ जिले के लिए एक सौभाग्य कि यहाँ पर 5200 बांध हमने टीकमगढ़ जिले के लिए स्वीकृत कराया। उसमें पूर्व में छतरपुर जिला और पश्चिम में टीकमगढ़ जिला था, और जिसके बीच से धरती माँ निकली हुई थी, यहाँ पर धसा नदी, जिसका एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिलता था, पूरा पानी उत्तर प्रदेश में चला जाता था, लेकिन 5200 बांध 2003 से जब से हमने चुनाव जीता, जब से लगातार प्रयास किया, और आज उसी का परिणाम के खेतों में 184 गांव के लिए हम लोग पानी देने की तैयारी कर रहे हैं। 75,000 हेक्टर भूमि इस टीकमगढ़ जिले की सिंचित होगी, 184 गांव के किसानों को पानी मिलेगा, और इतना ही नहीं जबस तरीके से जो डैम बन के तैयार हो गया है और उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन हरपरा सिंचाई परियोजना भी उससे कम नहीं है। जामनी नदी का पानी भी हम टीकमगढ़ जिले में लाए और अचर्रा और मोहनगढ़ में देने का काम हुआ। फेज़ टू का काम है वो बंद हो गया है, लेकिन उसको भी हम पुनः चालू कराने का पूरा प्रयास करेंगे, उसका पानी भी हम बराना के तालाबों में लेकर के आएंगे। एक बात बताइए, सरकार आपकी है राज्य में केंद्र में, लेकिन यहाँ आप विपक्ष में हैं, 5 सालों में किस तरह से आपने संवाद स्थापित किया है, लोग आपको वोट देने आए, तो क्या आपकी उपलब्धियाँ इन 5 सालों में रही हैं? मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जतारा विधानसभा क्षेत्र के लिए और टीकमगढ़ जिले के लिए जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं पे हमने अमल कराया। यहाँ पर सद्धारा बांध का काम चल रहा है जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन हुआ, पिछली बार लगभग हमने अपने कार्यकाल में 40 हाई स्कूल और 12 हायर सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन कराया था। यहाँ पर आर्ट कॉलेज था जिसमें 300 बच्चे पढ़ते थे, जब हमने साइंस और कॉमर्स यहाँ पर कराया तो 2050 बच्चे यहाँ पर पढ़ने लगे हैं, और सिंचाई के क्षेत्र में भी शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ, क्योंकि सब जानते हैं पहले शिक्षित यहाँ पर कम थे, लेकिन अब बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, जो उस तरीके से खूब आगे बढ़ भी रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमने नौगांव जिला छतरपुर में पोर्टिंग किया था, हमने सिविल से, वहाँ पर जब हमने सिविल से पोर्टिंग किया तो हमने भी अपने मन में सोचा था कि अगर हम राजनीतिक जीवन में आए तो जिस विधानसभा क्षेत्र से हम चुने जाएंगे और या जनता का लाड़ प्यार इसने हमें मिलेगा वहाँ भी हम पोर्टिंग देंगे। मध्यप्रदेश में 7 पॉलिटेक्निक खुले, जिसमें जतारा जिला टीकमगढ़ में भी हमारा एक पोर्टिंग खुला, जिसकी लगभग 7 करोड़ 87 लाख की बिल्डिंग का बनने का काम भी जारी है और अब 10 करोड़ के करीब पहुँच गई है। जल्दी जल्दी पोर्टिंग भी यहाँ पर बन जाएगा, पूरे मध्यप्रदेश भी जतारा विधानसभा क्षेत्र में मध्यप्रदेश के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। संगठन में क्या पूरी तरह से कसावट है, कहीं कोई अंतर कलह गतिरोध या अंदरूनी विवाद तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों की माँ है और भारतीय जनता पार्टी के नाम से हम सब लोग जीतते हैं, हमारा यहाँ कार्यकर्ता सर्वोच्च माना जाता है, पार्टी में कहीं किसी प्रकार से कोई गुटबाजी नहीं है। 2003 में बहन उमा भारती जी मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जबस तरीके से काम फैलाने का काम किया, बहन उमा भारती ने जबस तरीके से यहाँ पर काम किया, फिर उसके बाद जो उनके अधूरे काम थे बाबूलाल गौर साहब ने करने का प्रयास किया, फिर उनके बाद जो काम थे मध्यप्रदेश की जनता के उसके लिए हमारे सम्माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री ने किए, और जब भी प्राकृतिक आपदा इस बुंदेलखंड की धरती पर आई, चाहे वो फसल वाली बात हो, चाहे सूखे की बात हो, चाहे अफलन की बात हो, चाहे ओलावृष्टि की बात हो, चाहे अतिवृष्टि की बात हो, चाहे सूखा की हो, हर जगह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहत राशि के रूप में की बात आई तो ये कहा जाता है कि बुंदेलखंड पैकेज आया, बहुत राहत राशि आती है, लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में, ग्रामीण परेशान है। हम अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, लोग कह रहे थे बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं होता।
जहाँ भ्रष्टाचार की बात है तो जैसे हम लोगों को जानकारी लगती है कि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो हम लोग तत्काल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी इसकी जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री जो बनता है हर संभव उसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगे उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। शिकायतों के आधार पर अधिकारी कर्मचारियों को पनिशमेंट करने का भी वो काम करते हैं। कहीं किसी प्रकार से अब ऐसा वो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कहीं की बात आती है तो तत्काल उसका तुरंत निराकरण भी करते हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ता जैसे हमें बताते हैं कहीं कोई इस कार्यक्रम माने इस व्यक्ति का काम नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम अधिकारी उस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को पहले निर्देश देते थे, लेकिन जब 233 वोट से हम पराजित हो गए तो अब उनसे हम अनुरोध कर करके वो काम कराते हैं। 233 वोट और 5 साल का वनवास, इस बार क्या लगता है जनता एकदम भरपूर कर देगी, भरपाई कर देगी उसकी और बड़ा लंबा मार्जिन होगा आपकी जीत का? हम आपको बताना चाहते हैं कि जब 2003 का हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था जिस समय हमें टिकट मिला था तो वो खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से हम वहाँ से 28,000 वोटों से लगभग 28,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इसके बाद जब वहाँ पे विकास के काम किए, स्कूलों का उन्नयन कराया, नदियों की योजनाएं बनाई और स्टाफ डैम बनवाने का काम दशा नदी पे किया, अनेकों काम किए, वहाँ के तहसील खरगापुर में खुलवाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया, मंडी खुलवाने का काम किया, पलेरा में भी कृषि उपज मंडी बनाई जतारा की मंडी को काट के, जो उस तरीके से वहाँ परीक्षा की तैयारी करते रहे, लेकिन भगवान ने ऐसा साथ दिया कि हमारा परीक्षा केंद्र बदल के जतारा विधानसभा कर दिया। इसमें भी हमने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पर हम लगभग 847 वोट से हैं जो चुनाव जीत गए थे, क्योंकि जनशक्ति से प्रत्याशी खड़े हुए थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के वोट उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। लेकिन रणनीति, चुनावी रणनीति में चूक हुई, चुनावी रणनीति में हमारी थोड़ी बहुत चूक हो गई जिस कारण से हम हो गए। हमने दम से चुनाव पिछली बार भी लड़ा था और इस बार भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार तो इस जतारा विधानसभा क्षेत्र में जो 5 साल में विकास के काम नहीं हो पाए या जनता परेशान हुई, ट्रांसफार्मर खराब हुए तो तत्काल नहीं बदल पाए, क्योंकि विधायक जी को इस चीज़ की चिंता रही नहीं रही कि हम क्या करें, बस उन्हें अपना काम जो बनता था वो उन्हें विधायक विकास निधि के कामों में सिर्फ उलझे रहे, वो विधायक विकास निधि के कामों में जैसे हमने सड़कें फास्टैग से दी, नाबार्ड से दी, CRF से दी, मंडी से दी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से दी, जो ADBS से सड़कें दी हमने, नाबार्ड से भी सड़कें दी, आप टीकमगढ़ से आए हैं, लजरई जतारा पलेरा नौगांव का रोड 107 करोड़ का रोड है, आप मंजना से पलेरा का रोड जाइए, खरगापुर से पलेरा का रोड देख लीजिए, जतारा से और लिधौरा रानीगंज का रोड 20 करोड़ 88 लाख का रोड है, तो सड़कों का भी जाल बिछाया, नाबार्ड से सड़कें जो तरीके से पूरे विधानसभा में बनाई, स्कूलों भी जगह जगह दिए। हमने रास्ते में देखा कि आपका जब गांव पड़ा तो वहां पर डिवाइडर लगे हुए थे, काफ़ी अच्छी रोड थी, तो वो काम तो दिख रहा है, जनता भरपूर आशीर्वाद देगी पूरी तरह से आसान में, हमें पूरा विश्वास है कि जतारा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार जनता ने जो तरीके से लाड़ प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया था, लेकिन इस बार पाणामी आशीर्वाद मिलेगा जीत का, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में अब जतारा विधानसभा क्षेत्र की हर गांव का हर कोने कोने की जनता चुनाव लड़ रही है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से दंगल के दबंग में हम बात कर रहे थे हरिशंकर खटीक जी से, ज़बरदस्त पैठ है उनकी क्षेत्र में, सबसे अच्छी बात उनकी है कि बहुत सहज सरल और सौम्य छवि रखते हैं, सीधे लोगों से आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग उनके सीधे बेडरूम तक आते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी सरल उनकी जीवन शैली है, उनकी पहुँच है, और ये एक राजनेता के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन पिछला चुनाव 233 मतों से हारे हैं तो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, दूध के जले हैं, छाछ भी फूक कर पी रहे हैं, इस बार अगर वो सही रणनीति से काम करते हैं तो शायद बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होंगे, टिकट मिलना उनको लगभग पक्का माना जा रहा है। फिलहाल इस समय कैमरामैन लक्ष्मी उप्रेती के साथ समय के लिए अभिलाष मिश्रा।